et Ugmut. A uniform wire of resistance 20 ohm having resistance 1 ohm per meter is bent in the form of circle as shown in figure. If the equivalent resistance between A and B are 1.8 ohm, then what is the length of the शॉर्टर सेक्शन इन मीटर. ठीक है, तो मुझे लेंथ निकालना है, सबसे छोटे वाले आर्क का लेंथ निकालना है. तो टोटल टोटल सर्कल का रेजिस्टेंस कितने दिया है, 20 ओम दिया हुआ है. ठीक है, और हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर दिया हुआ है. तो आर इक्वल टू अगर देखे तो ये क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है. तो यहाँ पे आर इक्वल टू R इक्वल टू कितना दिया है, 1 ओम दिया है, और लेंथ भी कितना दिया हुआ है, लेंथ भी कितना दिया है, 1 मीटर दिया है. अब इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो R इक्वल टू कितना, 1 ओम इक्वल टू, यहाँ पे भी पुट किया L का वैल्यू 1, तो रो A इक्वल टू कितना आ गया, 1 ओम आ गया यहाँ पे. ठीक है, 1 ओम पर मीटर आ गया. ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं सर्कल में ए बी का रेजिस्टेंस इधर एक्स ले लेता हूँ, एक्स ओम ले लिया, तो बाकी का ये रिमेनिंग पार्ट का कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स रेजिस्टेंस हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा. ठीक है, तो अभी इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. देखिए, ये मेरा ए है और ये ऊपर का रेजिस्टेंस अपना हो गया और इधर माइनर आर्क का और ये बी हो गया. तो ये कितना है, 20 माइनस एक्स है और ये कितना है, एक्स है. तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है. तो पैरेलल अगर सॉल्व करेंगे तो 1 अप 1 आर पी इक्वल टू 1 अप 1 20 माइनस x प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा. अभी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना दिया है, 1.8 दिया है. इसका मतलब ये वैल्यू पुट कर देंगे 1.8, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा x 20 माइनस x, ये x माइनस 20 माइनस x आ जाएगा, x x गेट कैंसल, तो 1 अप 1 20 अप 1 20 x x स्क्वायर आ जाएगा. इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने पास यह आया, इसका आंसर 20x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 36 आएगा. और इसको क्वाड्रेटिक में अरेंज कर लेंगे, 20x प्लस 36.
एक्स इक्वल टू 18 एंड एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू जो है 2 आ गया, तो दो वैल्यू यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे क्या है, आर इक्वल टू एल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका लेंथ कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, कम किसका है, 2 ओम वाले का, तो लेंथ भी एल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है रो, यहाँ पे अपने को पता क्या चला, रो अपॉन आर इक्वल टू रो अपॉन ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, 1 ओम पर मीटर। ओके, इसलिए माइनर आर्क ए बी विल हैव लेस लेंथ, हेंस 2 मीटर इज द स्मॉलेस्ट लेंथ। आंसर,